हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि पीछे के बैकग्राउंड देख के आपको लग ही गया होगा कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं हूँ आज भलेसा में। तो 8-10 दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए। जब मैं बनी से यहाँ आई थी तो मैंने कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि मेरे गोद में बेबी था और इसको लेके मैं बाहर जा नहीं सकती थी। और गाड़ी में भी मतलब बहुत मुश्किल था क्योंकि हम सब थे। मेरी देवरानी अन्नू थी, दीदी थे, उनके बच्चे थे, भैया थे, विपिन भैया थे, तो हम सब एक गाड़ी में थे। दीदी तो बना रहे थे व्लॉग लेकिन मैं नहीं बना पाई थी और मेरा मन भी नहीं कुछ कर रहा था बनाने का क्योंकि बेबी था। तो मैंने कहा रहने दो, नहीं बनाती हूँ। तो फिर हम जब वहाँ से आए तो दीदी भैया हम मुझे छोड़ने इधर छत्रकला तक पहले प्लान बनाया था कि वहाँ छोड़ेंगे। फिर मैंने ज़बरदस्ती करते करते उनको भद्रवाह तक लाया। फिर भद्रवाह में वो चिनोर मंदिर गए और बहुत मज़ा आया। मैं भी फर्स्ट टाइम मंदिर गई इस बार। अंदर तो नहीं जा पाई क्योंकि बंद था, बाहर ही मैंने दर्शन किए बाहर से ही। और बहुत खूबसूरत मंदिर है। फर्स्ट टाइम मैं गई हूँ भद्रवाह में। ये जो मंदिर बना, पहले गई थी तब मतलब ऐसा बनाया हुआ नहीं था, अब बहुत ज़्यादा सुंदर बनाया हुआ है। तो बस फिर वो हमें वहाँ छोड़ गए, वहाँ तक ये आए थे मुझे लेने। तो फिर वहाँ से हमने वहाँ खाना वगैरह खाया तो उसके बाद वो वहाँ से चले गए। वहाँ कुछ नहीं बना पाई तो अभी मैंने सोचा कि बना देती हूँ। मतलब मेरा चैनल एक्टिव तो रहे और बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं बेचारे जो बोलते रहते हैं व्लॉग नहीं डालते नहीं डालते। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डालूँ लेकिन नहीं बन पाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे को मैनेज करना क्योंकि अब तो मैं यहाँ आई हूँ तो अब तो मेरे पास और बिल्कुल टाइम नहीं होता। अब ये देखो बेबी सोया हुआ था लेकिन जैसे ही मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया तो मेरी आवाज़ ही जाग गया है। अभी मैंने इसको सुला के रखा हुआ था लेकिन ये देखो अब इसकी हरकतें देखो। अभी उनका वेट कर रहे हैं, वो आते हैं तो उसके बाद लंच वगैरह करते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। ओके, तब तक मैं आपको थोड़ा बहुत अपने बेबी से इंटरेक्ट करवाती हूँ। चलो ये कौन है इसके अंदर? इसके अंदर कौन है? नेट के अंदर कौन है? हटाओ नेट, मेरा बेबी। ये किसका बेबी है? कौन है ये? कौन है? मम्मू किसकी है? ये फोन को ऐसे देख रहा है जैसे पहली बार देख रहा है। हाँ, वैसे ज्यादा फोन में इसके पास रखती नहीं क्योंकि बच्चों को आदत लग जाती है ना फोन की, लेकिन ये देखो कैसे देख रहा है। कौन है ये? कौन है ये? बोलो बोलो बोलो। हेलो गाइज, सॉरी मेरी वजह से मेरी मम्मा व्लॉग नहीं डाल पाती है क्योंकि मैं मम्मा को बिजी रखता हूँ। बोलो बोलो बोलो, मैं मम्मा को बिजी रखता हूँ इसलिए मम्मा नहीं व्लॉग डाल पाती है, सॉरी। जब मैं थोड़ा बिग हो जाऊँगा ना फिर मम्मा डाला करेगी, ठीक है? तब मैं भी आया करूँगा। हाँ बोल रहा है, मैं भी आया करूँगा तब व्लॉग में, है ना? आना ना तब आपने भी व्लॉग में आना है ना, तब यही बोलेगा इसी को मैंने कैमरा पकड़ाना है। मैंने बोला पकड़ो आप कैमरा और शूट करो मम्मा का व्लॉग, शूट करो अभी अभी, शूट करो शूट करो। बोलो हेलो, हेलो बोलो, बोलो हेलो, हेलो बोलो, हेलो 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 गाइज, हेलो गाइज। ऐसे शौक क्यों हो गया? शौक क्यों हो गया? शौक शौक कब हो गए? ये जी शौक कब हो गए? तो गाइस ये देखो अभी मैं इसकी एक्टिविटीज दिखाती हूँ आपको। कौन है ये? कौन है ये? तो बस अभी मैं थोड़ा इसके साथ खेलती हूँ, ये देखो। तो
उसके बाद मिलते हैं आपसे। ओके, अभी मैं वेट भी कर रही हूँ उनका, इतने लंच करने आए तो अभी तो आए नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ तब तक, क्योंकि ये फीड करता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो थोड़ा सा मैं खा लेती हूँ, तो उसके बाद वो आएंगे तो फिर से खाएंगे। गाइस बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, वो अभी तक आए नहीं है, मैं बाहर जाके देख लेती हूँ उनको, तब तक बेबी को इधर रखते हैं। ये देखिए येलो टी शर्ट में, ये अभी आ रहे हैं यहाँ से, अभी मैं बाहर आई थी इनको देखने। बड़ा जूम हो गया यार, ये देखो 4x पे कितना ज़्यादा जूम दिख रहा था ना। ये देखो यहाँ बिल्कुल चेंजिंग हो गई है, फिर मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ बिल्कुल सब कुछ चेंज हो गया। दूसरों की क्लासें शुरू होती है और आपकी ब्रेक टाइम आता है, हैं? मेरा लंच टाइम में मैं बिजी हूँ। क्या बिजी हो? ये देखो यहाँ कितने ग्रेप्स लगे, ग्रेप्स दिख नहीं रहे हैं लेकिन इसकी बेल कितने दूर तक पहुँची। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो दोनों जने, मैं फोटो खींचू।